हेलो एंड ग्रेट वेलकम तो ये नाइन्थ सेशन है जो अब हम स्टार्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन एटीन और सेक्शन एटीन का ताल्लुक है मेजरमेंट पीरियड से उसके अलावा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में फिर हम चर्चा करेंगे सेक्शन 19 में कंसंट्रेशन टेस्ट की अब जहां तक मेजरमेंट पीरियड का सवाल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें बच्चे क्या होता है इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन इसका एग्जाम्पल अवेलेबल ना होने से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है लेट्स हैव लुक ओवर हियर व्हाट इज मेजरमेंट पीरियड और मेजरमेंट पीरियड में हमें करना क्या होता है ध्यान से सुने सपोज कोई एंटिटी है और उस एंटिटी ने मान लेते हैं कोई एंटिटी ई वन है और इस एंटिटी ने लेट अस से ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करा करेक्ट दिस इज द डेट ऑफ एक्वाजेशन अब इस दिन हमने इसको टेक ओवर करा तो क्वाइट ऑब्वियसली आफ्टर थ्री मंथस हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा करेक्ट अब बेटे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और राइट फ्रॉम बिगनिंग से हम पढ़ रहे हैं ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन को हम जब अकाउंटिंग करते हैं के अंदर जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं उनके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं नो डाउट अबाउट करेक्ट उसके अलावा हम इस गुडविल और एनसीआई भी कंप्यूट करते हैं इज और नॉट गुडविल भी हो सकता है गेन ऑन बारगेन परचेज भी हो सकता है ये चीजें हमने पड़ी हुई है अब प्रॉब्लम क्या आती है अगर मैं आज किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं लेटे से ऑन दिस पर्टिकुलर डेट कई मरतबा क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके फेयर वैल्यू को कंक्रीटली डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे कि हम मान लेते हैं जिस दिन मैंने एक्वायर करा और मान लेते हैं कि हमने एंटिटी ई टू को एक्वायर करा अब जिस एंटिटी को हमने एक्वायर करा हम ये मान लेते हैं कि उस एंटिटी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या चल रहा है कोई डिस्प्यूट चल रहा है अब उस एंटिटी का डिस्प्यूट इसलिए चल रहा है क्योंकि जो ई टू एंटिटी है उसके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इस कंपनी के ऊपर कंपनी ई टू के ऊपर कोई केस करा हुआ है कस्टमर्स ने कंपनी ई टू के ऊपर कोई केस करा हुआ है और ई वन ने ई टू को वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को एक्वायर कर लिया हम मेजरमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट पे अटेंशन अब इसके बाद क्या होगा अब मान लेते हैं कि जब हमने ई वन ए टू को टेक ओवर करा तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हमने एस्टिमेट करा क्योंकि ई वन अब ई टू को टेक ओवर कर रही है तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि यह जो लाइबिलिटी है या ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसकी वजह से कितनी लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है क्योंकि अल्टीमेटली ई टू की ये जो लाइबिलिटी है वो हमें टेक ओवर करनी पड़ेगी इट या ये जो डिस्प्यूट है वो भी हमें टेक ओवर करना पड़ेगा मान लेते हैं हमने ये डिटरमिन करा कि हमें वन करोड़ रुपीज कस्टमर को देने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट अब प्रॉब्लम यह है कि हमने इस दिन डिटरमिन तो करा ऑन वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को बट वी आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर डेट अल्टीमेटली वन करोड़ विल बी द अमाउंट दिच वी विल हैव टू पे डेट इज द प्रॉब्लम यानी कि यहां कंक्रीटली इस लाइबिलिटी की या इस डिस्प्यूट का जो क्लेम है या जो कंपनसेशन अमाउंट है जो हमें देना पड़ सकता है वो कंक्रीटली हमने डिटरमिन नहीं करा लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें इस अकाउंटिंग तो करनी है तो हमने यहां पर वन करोड़ की फिगर लिख दी हमने एस्टिमेशन करा हमने कहा ठीक है करोड़ द अमाउंट एट वी शुड रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे हमने अपने अकाउंट्स भी बना दिए और जब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई तो क्या हुआ लाइबिलिटी हमारी वन करोड़ पर नजर आ रही है इज इट क्लियर टू हालांकि जब मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाई वे ऑफ नोट में मुझे बताना पड़ेगा कि यह जो लाइबिलिटी है इसका जो अभी अमाउंट है वो एक तरीके से प्रोविजनल अमाउंट है दैट मीन इट इज नॉट द ऑथेंटिक अमाउंट स्टिल ये प्रोविजनल अमाउंट है लाइबिलिटी का ये एक प्रोविजनल अमाउंट है अब क्या हुआ करंट अकाउंटिंग ईयर तो हमारा खत्म हो गया अब करंट अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा अब जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ लेट अस से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ऑब्वियसली खत्म होगा थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को अब लास्ट ईयर यानी कि ट्वेंटी थ्री के खत्म होने के लेट अस से दो तीन महीने के बाद हमें पता लगा दो तो तीन महीने के बाद अब नए फैक्ट्स हमारे सामने आए कुछ नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई लेकिन याद रखें ये जो नए फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं ये जो नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही हैं इन इंफॉर्मेशन का ताल्लुक जो है ऑन द डेट ऑफ जिस तारीख को आपने सॉरी एक्विजिशन करा जिस तारीख को आपने एक्विजिशन करा उस उनसे कुछ रिलेटेड होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल इस दिन हमारी एक डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी चल रही थी जैसा मैंने बताया तो कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हमारे सामने आए डेट एग्जिस्टेड ऑन द एक्विजिशन डेट यानी कि उनका ताल्लुक उन आइटम से है विच एग्जिस्टेड ऑन द एक्विजिशन डेट तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद इस साल की अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद सम मोर फैक्ट्स एंड सरकम केम बिफोर अस एंड दे आर रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल आइटम्स व्हिच व्हिच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा अब लेटेस्ट से जो नए फैक्ट्स हमारे सामने आए हमें लगा कि जो लाइबिलिटी हमने वन करोड़ की यहां पर रिकॉर्ड करी हुई है उसको हमने बेसिकली वन पॉइंट फाइव करोड़ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था हमने वन पॉइंट फाइव करोड़ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था अब प्रॉब्लम क्या है कि इस साल की अकाउंटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है ना इस साल की अकाउंटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है तो अब मैं इसको कैसे ठीक करूंगा अब ध्यान से सुने तो मेजरमेंट पीरियड का बेसिकली मतलब क्या है मेजरमेंट पीरियड का मतलब यही होता है कि द मेजरमेंट पीरियड इज द पीरियड द मेजरमेंट पीरियड इज द पीरियड आफ्टर द एक्विजिशन डेट ड्यूरिंग विच द एक्वायरर मे एडजस्ट द प्रोविजनल अमाउंट रिकोगनाइज फॉर ए बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हमने प्रोविजनल अमाउंट बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत रिकोगनाइज करे हुए हैं करेक्ट उसको हमने अब एडजस्ट करना है अब याद रखें कि किसी भी हालत में मेजरमेंट पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद से एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता यानी कि जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आपके सामने आए जिस तारीख को आपने एक्वायर उसके बारह महीने के अंदर अंदर वो फैक्ट्स आपके सामने आने चाहिए ठीक है हमने अभी तो मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही तीन महीने के अंदर हमारे सामने कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आए एंड नाउ वी आर वेरी श्योर डेट ये जो लाइबिलिटी हमने वन करोड़ की रिकॉर्ड करी है इसको हमने वन पॉइंट फाइव करोड़ पे रिकॉर्ड करना है इसका मतलब मेजरमेंट पीरियड के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ध्यान से सुबह मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट पे मैंने क्या लिखा है इज लिमिटेड टू दो डेट अराइज फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन ऑप्टेन अबाउट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज डेट एग्जिस्टेड एट दी एक्विजेशन डेट अकाउंटिंग पहले तो मेजरमेंट पीरियड की एडजस्टमेंट कब पॉसिबल हो सकती है जब आपके सामने कुछ नए फैक्ट्स आए नए सर्कमस्टेंसेज आए जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे ऑन दी एक्विजिशन डेट को यानी कि जो नए फैक्ट्स और है उनका कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन से तभी हम उनको एडजस्ट करेंगे पहला पॉइंट तो ये है, यानी कि ये जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है इसका ताल्लुक इस लाइबिलिटी से है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा फिर सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है एडजस्टमेंट कैसे होगी रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट दी प्रोविजनलिटी अब जो ये नई इन्फॉर्मेशन आई अब इसको मैंने रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना है उसका सीधा सा कारण ये है कि लास्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट बन चुके हैं यानी कि अब मेरा करंट ईयर कौन सा है अब मैं नेक्स्ट ईयर में आ चुका हूं तो नेक्स्ट ईयर में मेरा जो करंट ईयर है मैंने कहा वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट हो रहा है थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को खत्म हो रहा है करेंट ईयर है अब करेंट ईयर में मुझे क्या करना पड़ेगा जो लास्ट ईयर की मेरी फाइनेंस आपको मालूम है ईयर की जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट है जो कि तुमने वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेके थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बनाई होंगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो लाइबिलिटी थी उस जो डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी थी उसको वन करोड़ पे आपने रिकॉर्ड करा हुआ है और कुछ नए फैक्ट्स हमारे सामने आए जिनका ताल्लुक इस लाइबिलिटी से है और हमें अब नए फैक्ट्स में पता लगा कि ये लाइबिलिटी तो वन पॉइंट फाइव करोड़ की है तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोविजनल अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा अब लास्ट ईयर हमने प्रोविजनल अमाउंट कितना लिखा हैिटी के आगे वन करोड़ लिखा है तो करंट ईयर में मुझे लास्ट ईयर की स्टेटमेंट को यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जब बनाऊंगा तो उसको मुझे री करना पड़ेगा यानी कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुझे री करना पड़ेगा अब मैं री कैसे करूंगा द पॉइंट इज दिस तो री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जस्ट पे अटेंशन डाउन हुए है लास्ट ईयर की मेरी जो डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी थी जो भी लाइबिलिटी थी उसको मैंने वन करोड़ पे लिखा हुआ है जाहिर है कि अब मुझे इसको पॉइंट फाइव करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा अब जब मैं पॉइंट फाइव करोड़ से इसको बढ़ाऊंगा तो दो चीजें होंगी एक तो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी नो डाउट अबाउट डेट वन पॉइंट फाइव करोड़ पे आएगी और आपको मालूम है जब आप एंट्री लिखते थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन आप क्या लिखते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एनसीआई अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट और आपकी गुडविल बैलेंसिंग फिगर आती थी आप सोचो अगर लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ेगा तो इसका मतलब गुडविल का अमाउंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड जब आप बैलेंस करोगे तो गुडविल का अमाउंट जितने अमाउंट से लाइबिलिटी बढ़ी है उतने अमाउंट से गुडविल का अमाउंट भी बढ़ेगा यहां मैं मैंने लिखा भी है लास्ट में एन एडजस्ट द गुडविल तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ सकती है कुछ नए फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज की वजह से जिनका ताल्लुक डेट ऑफ एक्विजेशन से है नंबर वन नंबर टू उन एडजस्टमेंट को हमें रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ेगा और रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करने का भी मतलब क्या है करेंट ईयर में जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट लास्ट ईयर के बिनाओगे तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको ठीक करना पड़ेगा तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए मुझे लास्ट ईयर की लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी नंबर वन उसके दो लाइबिलिटी बढ़ाने से दो चीजें होंगी एक तो लास्ट ईयर का क्या बोलते हैं लाइबिलिटी बढ़ेगी रिटर्न अर्निंग्स कम हो जाएंगी और दूसरा गुडविल का अमाउंट जो है वो फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ जाएगा Is it clear to you or not? तो गुडविल का अमाउंट यानी कि गुडविल में भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा मेजरमेंट पीरियड का एडजस्टमेंट आई होप आपकी समझ में आ गया होगा जो ये तीनों चीजें मैंने लिखी हैं उसके अलावा मैंने ये भी लिखा है अदर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड अब मेजरमेंट पीरियड में ऐसा भी हो सकता है इट इंक्लूड एडजस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट आफ्ट दी एक्वेजिशन डेट और एक्वेजिशन डेट के बाद कुछ नई डेवलपमेंट हो सकती है बट ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड लेकिन वो मेजरमेंट पीरियड के अंदर होनी चाहिए मैंने पहले कहा मेजरमेंट पीरियड 12 महीने से ज्यादा का या एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करे फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ले लेते हैं जैसे लास्ट ईयर आपने एक्वायर करा लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पूरी हो गई उसके बाद आपको अचानक पता लगा कि लास्ट ईयर हमने जो प्रोविजन बनाया हुआ है लड़स से फाइव परसेंट का बनाया हुआ है हमें लगता है कि अब जो न्यू इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने या जो नए फैक्ट्स है हमारे सामने प्रोविजन हमें टेन परसेंट का बनाना चाहिए यानी कि ये एक न्यू इंफॉर्मेशन है इज इट क्लियर टू कोई नई इंफॉर्मेशन अगर हमारे सामने आती है तो उस केस में याद रखें नंबर वन रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं होगी इज इट क्लियर टू यू और नॉट कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं होगी नंबर वन कोई गुडविल पे इफेक्ट नहीं करना है इस एडजस्टमेंट को मुझे प्रोस्पेक्टिवली ठीक करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है फ्यूचर से यानी कि करंट ईयर में बस मुझे यह करना पड़ेगा जो भी मेरे ट्रेड रिसिवल्स हैं उस पर जो मैंने अभी तक फाइव परसेंट का प्रोविजन बनाया था इस साल में फाइव परसेंट का नहीं बनाऊंगा टेन परसेंट का बनाऊंगा हाँ अगर कोई एरर्स होती है तो वो हमें क्या बोलते हैं इंडेस एट के हिसाब से ठीक करनी पड़ती है वो एक अलग मैटर है पोस्ट मेजरमेंट पीरियड अब पोस्ट मेजरमेंट पीरियड का क्या मतलब है जैसे कि मैंने इसी केस पे मैं यहां पर ले लू मैंने ये माना कि हमने वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को एक्वायर करा था अब 1 -1 -2023, फिर महीने का पीरियड खत्म हो जाएगा मेजरमेंट पीरियड यानी कि मेजरमेंट पीरियड जो है तुम्हारा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को खत्म हो जाएगा इस मेजरमेंट पीरियड के बाद मैंने यहां पर लिखा है कि पोस्ट मेजरमेंट पीरियड तो पोस्ट मेजरमेंट पीरियड को एडजस्ट कैसे करना पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नो एडजस्टमेंट टू दी अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन हाँ कोई एरर्स वगैरह हो तो जाहिर है कि एरर्स वगैरह ए एस के हिसाब से जरूर ठीक करी जाती है लेकिन इसमें एक और चीज भी है अगर इंड एज थर्टी सेवन के हिसाब से कोई लाइबिलिटी वगैरह इंक्रीज होती है पोस्ट मेजरमेंट पीरियड में अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस लाइबिलिटी को इंक्रीज इन लाइबिलिटी को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा यह मेजरमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट है पहले आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए मैंने कहा बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं इसलिए उनको पता नहीं होता इससे रिलेटेड मैंने दो केस स्टडीज यहां पर रखी हुई है इन केस स्टडीज को ध्यान से देखें Yate ABC Limited acquires XYZ Limited in a business combination on 15th of January 2024. 15th of January 2024 is the date. Just in ABC Limited, ne XYZ Limited take over. A few days before the date of acquisition, one of XYZ's customers had claimed that certain amounts were due by XYZ Limited under penalty causes, clauses for complete, completion delays included in the contract. जानबूझ के लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ करा जाता है इस क्वेश्चन में जो अभी तक की कहानी चल रही है पहले तो 15 जनवरी 2024, इसका मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर मतलब ये वाला अकाउंटिंग ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये वन फोर टू से स्टार्ट हुआ होगा और थर्टी फर्स्ट थ्री को खत्म होगा और वो कह रहे हैं कि फिफ्टीन जनवरी फिफ्टीन जनवरी 2024 को डेट ऑफ एक्विजिशन है डेट ऑफ एक्वेजिशन है कंपनी जो है वो टेक ओवर कर रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड को अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है फ्यू डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन के कुछ दिन पहले वो कहता है कि जो एक्स वाई जेड के कस्टमर्स हैं उन्होंने वही जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था ऑलमोस्ट वही है कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड के कस्टमर्स ने एक्स वाई जेड के ऊपर कुछ क्लेम डाल दिया और क्लेम इसलिए डाला हो सकता है कि इन कस्टमर ने एक्स वाई जेड लिमिटेड को कहा होगा कि आप कोई चीज हमारे लिए बनाए और वो टाइम से कंप्लीट नहीं हुई है तो कंप्लीशन डिले हो गई जिसकी वजह से उन्होंने इनके ऊपर एक केस डाल दिया इज इज इट एबीसी लिमिटेड करोड़ दिस द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी टू द कस्टमर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज हम एक्स वाई जेड लिमिटेड को ले रहे हैं अब यह डिस्प्यूटेड क्लेम चल तो रहा है लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को एबीसी लिमिटेड ने बेस्ट एस्टिमेट अपनी तरफ से बेस्ट एस्टिमेट करा और इस क्लेम की फिगर को वन करोड़ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया वन करोड़ पर रिकॉर्ड कर लिया आगे कहता है इन अक्टूबर 2024 विद इन द मेजरमेंट पीरियड द कस्टमर प्रेजेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एज पर विच ABC Limited concludes the fair value of the liability कंक्लूड्स the ऑफ of ऑन to डेट ऑफ करोड़। अब क्या हुआ First अक्टूबर 2024 देखो First अक्टूबर 2024 कौन सी कौन से ईयर में आएगा वो तो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा ना यानी कि वन फोर 2024 से लेकर के 31st 3 2025 के बीच में ये वाला अकाउंटिंग ईयर तो कंप्लीट हो गया अब वो क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में इन मंथ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर 24 में वो कहता है कि हमारे सामने कुछ नए फैक्ट्स आए और नए फैक्ट्स आए जाहिर है किस का ताल्लुक जो है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से है तो नए फैक्ट्स आए द कस्टमर प्रेजेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कस्टमर ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स वाई जेड के सामने रखी होंगी जिससे अब ये क्लियर हो गया कि ये लाइबिलिटी जो हमने डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वन करोड़ को रिकॉर्ड करी थी हमें टू करोड़ पे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी यानी कि यही इन्फॉर्मेशन अगर डेट ऑफ एक्विजिशन को हमारे पास होती तो हम इसको टू करोड़ पे रिकॉर्ड करते लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास अक्टूबर 2024 में आई है याद रखें कि ये विद इन द मेजरमेंट पीरियड है क्योंकि मैंने कहा डेट ऑफ एक्विजिशन एक्विजीशन ट्वेंटी फोर है और फिफ्टीन वन टू अगर मैं इसमें एक साल और ऐड कर दूं तो 15 वन 2025 को मेजरमेंट पीरियड खत्म होगा ये विद इन द मेजरमेंट पीरियड है तो टू करोड़ की लाइबिलिटी मेरे सामने आ गई इज इट क्लियर अब कहते हैं एबीसी लिमिटेड कंटिन्यूज टू रिसीव एंड इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लेम आफ्टर अक्टूबर 2024 लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद भी एबीसी लिमिटेड ने इसको इवेल्युएशन इस लाइबिलिटी का इवेल्युएशन जारी रखा इट्स इवेल्युएशन डस नॉट चेंज टिल फेब्ररी टू अब याद ये रखना है तुमने इस क्वेश्चन में कि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन फिफ्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है अब फिफ्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर आपकी डेट है तो मेजरमेंट पीरियड कब खत्म होगा फिफ्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को मेजरमेंट पीरियड एक्सपायर हो जाएगा मेजरमेंट पीरियड के बाद फेबररी की डेट आएगी फेबर ट्वेंटी फाइव की डेट आएगी वो कहता है कि हमने इवेल्युएशन जारी रखा लेकिन इवेल्युएशन जारी तो रखा टिल फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक आफ्टर द मेजरमेंट पीरियड When it concludes that fair value of the liability of the claim at the date of acquisition is 1.9 करोड़ अब पता क्या लगा कि measurement period तो खत्म हो गया है लेकिन ABC limited को लग रहा है कि जो liability हम दिन दो crore की एस्टिमेट करी थी अक्टूबर 2024 को वो शायद अब कम हो गई है उसको हमें 1.9 पॉइंट नाइन करोड़ पर रिकॉर्ड करना चाहिए था मैंने अभी आपसे कहा कि पोस्ट मेजरमेंट पीरियड में यानी कि मेजरमेंट पीरियड के खत्म होने के बाद अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मुझे इस लाइबिलिटी को कुछ नहीं करना मुझे टू करोड़ की फिगर को वन पॉइंट नाइन पर लाने की जरूरत नहीं है इज इट क्लियर टू यू समझ में आया और इससे पहले जो मैंने कहा कि हमने पहले वन करोड़ पर रिकॉर्ड करी थी अब करंट ईयर में यह चीज हमारे सामने आई कि यह लाइबिलिटी जो है बेसिकली टू करोड़ की है इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं अब करंट ईयर में तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव की बनाऊंगा तो इसके साथ साथ मुझे लास्ट ईयर की स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की अब लास्ट ईयर की स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा मैंने कहा कि मेजरमेंट पीरियड के अंदर अगर नए फैक्ट्स आते हैं नई इंफॉर्मेशन आती है और उनका ताल्लुक डेट ऑफ एक्विजिशन से होता है तो डेफिनेटली उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रेट्रोस्पेक्टिवली Retrospect, एडजस्ट करना पड़ता है लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा तो लाइबिलिटी जो वन करोड़ की है उसको मुझे टू करोड़ पे दिखाना पड़ेगा नंबर वन जिसकी वजह से मैंने कहा गुडविल भी हमारी वन करोड़ से बढ़ जाएंगी और ये एक्सप्लेनेशन हमें बाय वे ऑफ नोट्स भी देने पड़ेंगे जब करंट ईयर में मैं अपने नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स में मुझे ये लिखना पड़ेगा कि प्रोविजनल अमाउंट्स हैव बीन एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ सम न्यू फैक्ट्स एंड सरकम स्टेंसिस इज इट क्लेव एंड ऑन अकाउंट ऑफ दिस लायबिलिटी व्हिच अर्लियर वाज रिकॉर्डेड एट 1 करोड़ नाउ विल हैज बीन रिकॉर्डेड एट 2 करोड़ एंड बिकॉज ऑफ व्हिच गुडविल ऑफ द लास्ट ईयर गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन व्हिच वाज रिकॉर्डेड एट 1 करोड़ हैज गॉन अप टू 2 करोड़ क्योंकि गुडविल का अमाउंट भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा इस तरह आपको नोट्स में यह देना पड़ेगा इज इट क्लियर टू यू और नॉट नंबर वन लेकिन मेजरमेंट पीरियड के बाद फिर आप अपने आंसर में यह भी लिखेंगे हाव एवर द इंफॉर्मेशन हाउ एवर एज पर न्यू एस्टिमेट ऑन फेब्रेरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ना फेब्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इज द डेट विच इज अकरिंग आफ्टर द मेजरमेंट पीरियड तो मेजरमेंट पीरियड के बाद यह चीज सामने आई कि ये लाइबिलिटी जो अब, जो अब हम दो करोड़ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं वन पॉइंट नाइन करोड़ की बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू पोस्ट मेजरमेंट पीरियड एंड इट इज रिलेटेड टू डिक्रीज नो एडजस्टमेंट विल बी टर्न इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहता है एबीसी लिमिटेड डिटरमिन्स डेट द अमाउंट डेट वुड बी रिकॉगनाइज विद रिस्पेक्ट टू क्लेम अंडर इंडिया सेवन अंडर इंडिया सेवन ऑन फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी करोड़ लेकिन एबीसी लिमिटेड अब यह भी मेजरमेंट पीरियड के बाद है ये भी मेजरमेंट पीरियड के बाद है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर इन डे थर्टी सेवन आ गया तो इन डे थर्टी सेवन अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर इन डे एस थर्टी सेवन के मुताबिक पोस्ट पोस्ट पीरियड में कोई एडजस्टमेंट हुई है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उस लाइबिलिटी को फिर आपको न्यू फिगर पे लाना पड़ेगा यानी कि जो दो करोड़ की लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर ली है ऑलरेडी अब उसको टू पॉइंट टू करोड़ पे लाएंगे तो 2.2 करोड़ पे लाने से क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा इस नुकसान को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना पड़ेगा यू विल टेक दिस लॉस लॉस टू प्रॉफिट एंड अकाउंट इज इट क्लियर टू यू और नॉट तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई यही चीजें मैंने यहां लिखी भी हुई है फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं रिस्पॉन्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट थ्री जो कि मैं आपको यहां पर बता रहा था थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को याद स्टेटमेंट आप बना चुके हैं तो 31st 3, 2024 को आपने जो लायबिलिटी का अमाउंट है कंटिजेंट लाइबिलिटी जिसको आप कह सकते हो उसको वन करोड़ पे आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था वेन कस्टमर प्रेजेंस दडिशनल इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ इस क्लीम द इंक्रीमेंटल लाइबिलिटी अब लाइबिलिटी जो है दो करोड़ पे पहुंच गई दो एज ए पार्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग एज इट इज पीरियड पहले तो अकाउंटिंग लेकिन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव जो मैं आपको बता रहा था ये अब आप करेंट ईयर में आ गए थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को एबीसी लिमिटेड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजस्टमेंट टू दी प्रोविजनल वैल्यूज रिकग्नाइज ड्यूरिंग दी करेंट रिपोर्टिंग पीरियड समझ में आ गया तो आप अपने जो प्रोविजनल वैल्यूज रिकॉर्ड करी थी उनको आप उनकी एडजस्टमेंट और एक्सप्लेनेशन दोनों बताएंगे देयरफॉर इट विल डिस्कलोज दिट लेकिन एडजस्टमेंट कहां करेंगे एडजस्टमेंट तो आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट में लास्ट ईयर के स्टेटमेंट में करेंगे इट विल इनकम फॉर द ईयर एंडी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंडी इज एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली टू इंक्रीज द फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ लाइबिलिटी एट द एक्विजिशन डेट बाई वन करोड़ ये जो मैं आपको बता रहा था कि करंट ईयर में आपको लास्ट ईयर अपनी लाइबिलिटी वन करोड़ से बढ़ानी पड़ेगी और जिसकी वजह से गुडविल का अमाउंट भी बढ़ जाएगा इज क्लियर यू And resulting in a corresponding increase in goodwill, or just the goodwill amount will also increase. And after that, I told that February 2025, when the value decreased, we will not adjust it because the measurement period. The information resulting in decrease in the estimated fair value of the liability for the claim in February 2025 was obtained after the measurement period, and accordingly, the decrease is not recognized in the adjustment. So I will record the decrease. But

क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड एक्स जेड लिमिटेड ट्वेंटी एट ऑफ फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हमेशा पहले तो ये ध्यान रखें कि कौन सी डेट को आपने एक्वायर करा है तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि कह रहे हैं कि आपने फेबररी में ट्वेंटी एट 28 फरवरी 2024 को आपने एक्वायर करा और अकाउंटिंग ईयर 31 फर्स्ट 2024 को खत्म हो जाएगा एक महीने के बाद अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा डेट ऑफ एक्वेजिशन फिलहाल हमारे सामने ये दी हुई है करेक्ट कह रहे एज ए पार्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग एबीसी लिमिटेड रिकग्नाइज ए प्रोविजनल अमाउंट ऑफ आई एन आर वन करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप्ड बाई एक्स वाई जेड लिमिटेड जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं एक्स वाइजेट लिमिटेड को उसका कोई पेटेंट है और उसको हमने उसका कोई पेटेंट है और उसको हमने वन करोड़ की फिगर पे जो है रिकॉग्नाइज कर लिया हाउ एवर द टेक्नोलॉजी कवर्ड बाय द पेटेंट वाज न्यू एंड एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो टू बी जनरेटेड बाय द पेटेंट टू इंक्रीज बियॉन्ड बीइंग जनरेटेड एट दैट टाइम हालांकि हमें यह भी लग रहा है कि ये जो पेटेंट है फ्यूचर में हमारे लिए और ज्यादा इनफ्लो लेकर के आ सकता है अकॉर्डिंगली द एबीसी लिमिटेड सॉर्ट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन अब हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराया फ्रॉम ए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज फॉर सेवरल मंथस अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ टाइम लग जाएगा उस रिपोर्ट के आने में या वैल्यूएशन में फिर कहते हैं एबीसी लिमिटेड एस एस द यूजफुल लाइफ ऑफ द पेटेंट टू बी टेन ईयर्स अब इसकी लाइफ हमने टेन ईयर्स की एस्टिमेट करी वैसे ही मैं पूछना चाहता हूं अगर मैंने इस पेटेंट की लाइफ टेन इयर्स की एस्टीमेट करी मैं वैसे ही पूछा आपसे देखो अकाउंटिंग ईयर क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन पेटेंट्स को मुझे टेन करोड़ सॉरी टेन करोड़ कितना है वन करोड़ है करोड़ पे मुझे इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है वन करोड़ पे मैं इसको रिकग्नाइज करूंगा यानी कि हंड्रेड लैक्स पे मैं इसको रिकोगनाइज करूंगा पेटेंट्स को इसमें कोई डाउट नहीं है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन और हमने पेटेंट की लाइफ टेन इयर्स के डिटरमिन करी है। लेकिन मैंने कहा एक महीने के बाद मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब इस साल में कितना अमाउंट एमोटाइज करूंगा लॉजिकली मैं इस क्योंकि मैंने इस साल इतना ही तो यूज करा है तो इस साल में इतना अमाउंट जो है एमोटाइज करूंगा पेटेंट का वैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी अगर मैं ये कंप्यूट करूं तो ये कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हंड्रेड लैख डिवाइडेड बाई टेन तो आ जाएगा आपका टेन लैख डिवाइडेड बाई 12 तो ये फिगर जो आ रही है 83,333 आ रही है यानी कि जब मैंने की के एंड में देखो एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमने अकाउंटिंग करनी होती है उसके बाद ईयर के एंड में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे इंडिया हंड्रेड एंड टेन के हिसाब से तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के दिन मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहता हूं कि एबीसी लिमिटेड ने पेटेंट को किस वैल्यू पे दिखाया होगा हंड्रेड लैक में से में से एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री का अमोर्टाइजेशन करने के बाद हमने पेटेंट्स की वैल्यू दिखाई होगी जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे ही बताया कुछ तो पेटेंट्स को हमने वन करोड़ पे रिकॉर्ड करा हुआ है हालांकि हमें यह भी लग रहा है कि फ्यूचर में यह हमारे लिए है और ज्यादा कैश जनरेट कर सकता है नंबर वन हमने उसके लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराया लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है आगे कहता है गुडविल ऑफ आई एन आर वन पॉइंट टू करोड़ वॉज यानी कि जब मैंने प्रोविजनल अकाउंटिंग देखो ये अकाउंटिंग प्रोविजनल अकाउंटिंग मानी जाएगी क्योंकि हमें खुद लग रहा है कि ये जो फिगर है इसमें चेंज आ सकता है डेट ऑफ एक्वेजिशन के दिन क्वेश्चन कहता है कि तुमने गुडविल को वन वन पॉइंट टू करोड़ पे जो है रिकग्नाइज करा हुआ है आगे उसने कहा द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनक्लूडेड अप्रोप्रिएट डिस्कलोजर अबाउट दी प्रोविजनल अकाउंटिंग तो थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को जब आपने मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो हमें डिस्कलोजर्स करने पड़ते हैं तो डिस्कलोजर्स बाय वे ऑफ नोट्स हमें बताना पड़ेगा कि पेटेंट्स को हमने अभी वन करोड़ पर रिकॉर्ड करा हुआ है लेकिन ये अभी प्रोविजनल फिगर है और हमने अभी इसका वैल्यूएशन कर, करना है उसके वैल्यूएशन हमने करा हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है वैल्यूएशन रिपोर्ट इज टू ऑफ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के बाद सब्सिक्वेंट तो नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो गया अब नेक्स्ट ईयर आपका जो स्टार्ट होगा ऑब्वियसली वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को खत्म होगा बिकॉज आपने एक्वायर 28 फरवरी 2024 को करा है तो को कराया तो मेजरमेंट पीरियड टेक्निकली आपका कब खत्म होगा ट्वेंटी एट को मेजरमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा अब वो क्या कह रहा है कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद यानी कि सब्सिक्वेंटली बट बिफोर द एंड ऑफ द मेजरमेंट पीरियड यानी कि मेजरमेंट पीरियड के खत्म होने से पहले बट बिफोर द एंड ऑफ द मेजरमेंट पीरियड वो क्या कहते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एबीसी लिमिटेड कंक्लूड्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ द पेटेंट इज 1.5 करोड़ अब प्रॉब्लम क्या है कि पेटेंट की वैल्यू 1.5 करोड़ की है अब हमारे सामने ये चीज आई यानी कि यही इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास पहले होती तो हमने पेटेंट्स को वन करोड़ पे रिकॉर्ड करा होता अब जैसे कि मैंने कहा है, इस, इस चीज के होने से क्या फर्क पड़ गया देखो जो लास्ट मैंने तुम्हें बताया ना कि लास्ट ईयर की स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है यानी कि लास्ट ईयर जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी तो उस वक्त जो मैं आपसे पूछ रहा था कि हमने पेटेंट्स को पहले तो पेटेंट्स पे हमने अमोर्टाइजेशन कितना करा होगा पेटेंट पे हमने अमोर्टाइजेशन कितना करा होगा लास्ट ईयर जब मैंने लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी तो मैंने उस वक्त लास्ट ईयर की जब मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट बनाई होंगी मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो पेटेंट्स के फीक पेटेंट्स पे मैंने बताया कि हमने अमोर्टाइजेशन एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री का करा होगा लेकिन अब इस चीज को मुझे री स्टेट करना पड़ेगा जब मैं करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव की बनाऊंगा तो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ट्वेंटी जो कि ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की है लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 23 24 की है करंट ईयर तुम्हारा 24 25 है करंट ईयर तुम्हारा 24 25 है तो लास्ट ईयर के रीस्टेटमेंट कैसे करेंगे यानी कि इसकी रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि रिवाइज्ड अमोर्टाइजेशन आप कैसे कंप्यूट करेंगे सपोज ये इंफॉर्मेशन जैसा मैंने कहा जो अब आपके सामने आई 1.5 करो यानी कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास पहले ही आ जाती तो इस दिन आपने पेटेंट्स को किस वैल्यू पे दिखाना था 150 फिफ्टी लैक्स पे दिखाना था इज इट एड और नॉट यानी कि 150 एंड लैक्स और 10 साल उसकी जो ए, लाइफ है तो ये जो भी एमोटाइजेशन है एक महीने का एमोटाइजेशन आप लास्ट ईयर करते तो रिवाइज्ड वैल्यू के हिसाब से अगर मैं एमोटाइजेशन करता तो एमोटाइज फिगर कितनी आती that इज इक्वल टू 150 lakh to तो 15 lakhs लैक्स डिवाइडेड 12 ट्वेल्व यानी कि 1 लैक 25,000 का एमोटाइजेशन होना चाहिए था यानी कि एक तो पेटेंट्स में एमोटाइजेशन की फिगर जब हम रीस्टेटमेंट करते हैं हम कह तो देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं पर रेट्र, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए ज एक्टिव यानी कि लास्ट ईयर की मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेटेंट्स का अमोर्टाइजेशन की फिगर एक तो ठीक करनी पड़ेगी इससे क्या होगा जो पेटेंट्स है लास्ट ईयर तुमने उसको किस वैल्यू पे दिखाया होगा जस्ट समझाने के लिए लास्ट ईयर आपने पेटेंट्स को वन करोड़ यानी कि हंड्रेड लैक्स पे रिकॉर्ड करा था और उसमें से आपने एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री माइनस कर करके जो भी फिगर आई होगी इस वैल्यू पे आपने लास्ट ईयर में दिखाया होगा अब करंट ईयर में आप अब इस रिवाइज इसको आपने रिवाइज करना है करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने 100 लाख लिखा है दरअसल आपको 150 फिफ्टी लिखना चाहिए था इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और उसमें से आपको वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का एमोटाइजेशन माइनस करना चाहिए था इज इट क्लियर टू यू और नॉट समझ में आ गया या नहीं आ गया अच्छा जी लास्ट ईयर आपने गुडविल भी रिकॉर्ड करके रखी है आपको याद है गुडविल का अमाउंट आपने कितना रिकॉर्ड करके रखा था चलो अभी मैं देख लेता हूं शायद 1.2 करोड़ था तो उसमें भी 1.2 करोड़ यानी कि 12 लाख रुपए के बराबर था अभी हम देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है आगे कुछ नहीं कह रहा बस यही कह रहा है कि डस नॉट रिवाइज डस नॉट रिवाइज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द पेटेंट यानी कि जो नई वैल्यूएशन है उसमें पेटेंट की जो यूजफुल लाइफ है पहले भी दस साल की थी अब भी दस साल की है तो ये मैं तुम्हें बता रहा था देखो यहां मैंने आपके लिए ये बना करके रखा है एक तो मैंने कहा अमोर्टाइजेशन अमाउंट एटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री का थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ओरिजिनल फिगर के मुताबिक ये मैंने अभी आपको कंप्यूट करके कर बताया हंड्रेड लैक इंटू वन बाई टेन इंटू वन बाई ट्वेल्व आपने इतना अमाउंट एमोटाइज करके रखा था लेकिन आपको अमाउंट कितना अमाउंटाइज करना है आपको इतना अमाउंट करना पड़ेगा इज इट क्लियर टू यू अच्छा जी दूसरी चीज क्या हुई कि गुडविल आपने वन पॉइंट टू बारह लाख पे आपने रिकॉर्ड करी थी ठीक है अब ये गुडविल पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा पहले तो ध्यान से देखें लास्ट ईयर आपने पेटेंट की वैल्यू कितनी एस्टिमेट करके रखी थी सर वन करोड़ यानी कि जब आपने एक्विजिशन की डेट को एंट्री करी होगी तो जब हम लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट तो आपने एसेट्स के अंदर पेटेंट को वन करोड़ रुपए लिखा हुआ था बात समझ में आ गई अब उसी पेटेंट को आपको वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपए लिख यानी कि अगर यही इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के दिन आपके पास आ जाती तो आपने पेटेंट्स को वन की बजाय वन करोड़ रुपए लिखा होता देखो ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन मैं बात बता रहा हूं तो करोड़ की जगह पर लिखा होता अब एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो उससे का कम हो जाएगा यही वजह है कि गुडविल जो मैंने लिखी है वन में से मैंने करे, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए इसलिए माइनस करे क्योंकि पहले हमने जो पेटेंट है वन करोड़ पर लिखा था दरअसल उसको लिखना चाहिए था 1.5 करोड़ पर अगर हमने 1.5 करोड़ पर लिखा होता तो गुडविल का अमाउंट 70 लाख होता अब पेटेंट का रिवाइज अमाउंट भी मैंने तुम्हें बता ही दिया 1 लाख में से 83,333 माइनस करने के बाद जब तुमने ओरिजिनल बैलेंस शीट जब तुमने ओरिजिनली थर्टी फर्स्ट थ्री की स्टेटमेंट तैयार करी होंगी तो आपका पेटेंट का फिगर उस केस में इतना नजर आ रहा होगा जबकि वो आना चाहिए इतना तो ये मतलब है कि मेजरमेंट पीरियड के टाइम जब हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये हमने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है इन दो लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के इज इट क्लियर टू यू आई होप कि पेट मेजरमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा इज इट क्लियर मेजरमेंट पीरियड को समझने के बाद मेजरमेंट पीरियड को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ रहे हैं सेक्शन 19 कंसंट्रेशन टेस्ट और इसके साथ ही हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और उसके बाद एक ही सेक्शन इसमें बचा है एक्सपेक्टेड एंड हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे डेली इसका एक क्वेश्चन करते रहेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी शिफ्ट हो जाएंगे ताकि पिछले चैप्टर से भी हमारा कनेक्शन बना रहे तो अब मैं ये लास्ट टॉपिक आपको कराता हूं सेक्शन 19 कंसंट्रेशन टेस्ट अब ये कंसंट्रेशन टेस्ट बेसिकली क्या है कई बार जब हम किसी एंटिटी को आपको मालूम है शुरू से ही हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंटिटी जब किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस खासतौर से कंट्रोल ऑफ बिजनेस टेक ओवर करती है जैसे ई वन नाम की एंटिटी ने हम कहते हैं ई टू एन को टेक ओवर कर लिया तो हमने कई बार कहा है कि इंडियस हंड्रेड एंड थ्री तभी अप्लाई होगा अगर एंटिटी ई टू बिजनेस की डेफिनेशन को या पैरामीटर्स को पूरा कर रही है दैट मीन एंटिटी टी ई टू मस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस और हमने देखा था कि बिजनेस का बेसिकली मतलब क्या है इनपुट <coughs> यानी कि एक तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेस होने चाहिए इनपुट और रिसोर्सेज को कंबाइन कर करके वी शुड बी इन ए पोजिशन टू एक्चुअली प्रोड्यूस सम आउटपुट और इससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कल हमने लास्ट सेशन में बहुत सारी केस स्टडीज भी करी है तो कंसंट्रेशन टेस्ट ये बनाया गया ये देखने के लिए कि जिस एंटिटी को हम टेक ओवर कर रहे हैं क्या रियली really में वो एक बिजनेस है या नहीं इज यू रियली में वो बिजनेस है या नहीं तो इस टेस्ट के अंदर वैसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट टेस्ट फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट टेस्ट इज इट क्लियर टू तो, तो इस केस में हमें देखना पड़ता है फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस टेस्ट करने के बाद तब हम इस बेटर तब हम बेटर पोजीशन में होते हैं यह देखने के लिए कि वाकई में यहां पर एक्विजिशन अकाउंटिंग सॉरी इन हंड्रेड एंड थ्री अप्लाई होगा या नहीं होगा इज इट क्लियरटिव तो इस टेस्ट के तहत हम क्या देखते हैं और कैसे हमें यह पता लगता है कि क्या यह बिजनेस पैरामीटर्स को पूरा यह एंटिटी बिजनेस पैरामीटर्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही नंबर वन लेकिन एक चीज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं यह भी बता दूं कि यह ऑप्शनल है यह कोई मैंडेटरी नहीं है कि एंटिटीज को ऐसा करना जरूरी है अब इस टेस्ट के तहत हमें करना क्या होता है लेट्स है लुक मैंने कहा सबसे पहला स्टेप तो यह है कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट एक्वायर सबसे पहला स्टेप है कि आपने कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट एक्वायर कंप्यूट करना है फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स एक्वाय एक्वायर कैसे कंप्यूट करते हैं इसके लिए मुझे यह देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर एक तो मुझे यह देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड उसके अलावा मुझे देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है और फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड ये सारी चीजें मैं पहले ऐड कर दूंगा ऐड करके मेरे पास अभी तक अभी जो आएगा टेक्निकली उसको ग्रॉस एसेट कहा जा सकता है लेकिन इसमें से मुझे कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है डेफर टैक्स एसेट्स एंड गुडविल विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी ये दो आइटम का तुमने ख्याल करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और उसके बाद डेफर टैक्स एसेट्स एंड गुडविल विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट वी कॉल डेफर टैक्स लाइबिलिटी अगर ये आइटम है तो ये माइनस करेंगे तब हमें पता लगेगा ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड कितने हैं एक बार जब हमारे पास ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड की फिगर आ जाएगी तो फिर हम ये देखेंगे जितने भी ये एसेट आए हैं इसमें से सबसे बड़ा एसेट कौन सा है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, उस एसेट को हम ले लेंगे उस एसेट को फिर हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ दिस फिगर करेक्ट उसी को हम बोलते हैं परसेंटेशन परसेंटेज ऑफ कंसेंट्रेशन अब यहां कोई स्टैंडर्ड ने एह, या इस गाइडेंस ने हमें कोई इस तरह की कोई परसेंटेज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दी थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट एटी परसेंट करेक्ट लेकिन तुम मान सकते हो कि अगर एटी फाइव से लेकर नाइन्टी परसेंट के बीच में ये फिगर आ जाती है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये सारे एसेट जैसे एक ही एसेट के अंदर कंसेंट्रेटेड है इज इट क्लियर टू यू हालांकि ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन हो सकता है कि कंसेंट्रेशन टेस्ट के लिए वो क्या परसेंटेज फिक्स करते हैं परसेंटेज इज सब्सटेंशियल मैंने कहा ओन जजमेंट ये तुम्हारा जजमेंट है अगर ये सब्सटेंशियल है नाइनटी परसेंट है कंसेंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया है इसका मतलब सारे एसेट जो है तकरीबन तकरीबन एक ही एसेट के अंदर समाहित है as इसको बिजनेस एक्विजिशन नहीं माना जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा इसमें एसेट एक्विजिशन माना जाएगा और जो अकाउंटिंग होगी वो एस पर एप्लीकेबल इनडेस होगी इज इट क्लियर एस पर एप्लीकेबल इनडेस होगी का मतलब क्या है सपोज ये एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो फिर इसकी अकाउंटिंग एनडेसटीन के हिसाब से होगी इज इट क्लियर टू यू तो ये है कंसेंट्रेशन टेस्ट यानी कि कंसेंट्रेशन टेस्ट अगर मीट हो जाता है तो उस केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन फिर अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब ये एसेट एक्विजिशन का केस है बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस नहीं है 19.1 इससे रिलेटेड है तो जस्ट पे अटेंशन टू वर्स एंटिटी ए होल्ड्स 20 परसेंट इंटरेस्ट इन एंटिटी बी एंटिटी ए होल्ड्स 20 परसेंट इंटरेस्ट इन एंटिटी बी सब्सिक्वेंटली एंटिटी ए फर्दर एक्वायर्स 50 परसेंट शेयर इन एंटिटी बी पेइंग 300 हंड्रेड करोड ध्यान रखें देखो यहां पर पहले एंटिटी के पास कितने शेयर थे ट्वेंटी इसका मतलब पहले तो हमारे पास कंट्रोल नहीं था तो एक तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव इन स्टेजेस का केस हो गया हमने 50 परसेंट और शेयर एक्वायर करे 50 परसेंट और शेयर करे जिसके लिए हमने कंसिडरेशन कितना पे करा 300 तो सबसे पहले तो जब आप बाद में फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट कंपेयर कंप्यूट करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर तो कंसिडरेशन ट्रांसफर तीन करोड़ का माना जाएगा उसके बाद कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज एज्यूम्ड

देखो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हम वैसे भी कंप्यूट कर सकते हैं ट्वेंटी परसेंट स्टेक्स हमारे पास था फिफ्टी परसेंट हमने और एडिशनल स्टेक्स हासिल करे टोटल हमारे पास सेवेंटी परसेंट हो गए तो इसका मतलब एनसीआई थर्टी परसेंट होगी और एनसीआई की फेयर वैल्यू में निकाल सकता हूं कैसे क्योंकि मैंने अभी बताया कि बी की जितनी भी शेयर कैपिटल है देखो फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी या बिजनेस का क्या मतलब है जो एंटिटी बी है उसकी जितनी भी शेयर कैपिटल है उसकी फेयर वैल्यू 400 है तो 400 का 300 30 परसेंट तुम निकालते तो एनसीआई की वैल्यू आ जाती करेक्ट तो अब इसमें एक चीज मुझे यह बताओ फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी फोर है और आपकी प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी परसेंट की आपको याद होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस में मैंने आपको बताया था अब जिस दिन हमारे पास कंट्रोल आया उस दिन बी की फेयर वैल्यू फोर हंड्रेड है तो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी होगी इसका ट्वेंटी परसेंट होगी तो जब मैं कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट्स करूंगा तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर तो मैंने लिखी दी उसके बाद में एड करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी तो एटी आ गया फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई तुम्हारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में नहीं तो तुम कंप्यूट भी कर सकते थे और मैंने बताया था इसमें मुझे ऐड करना पड़ता है फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एज्यूम जो कि 800 है इज इट क्लियर टिव फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एज्यूम्ड यहां पर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था एट हंड्रेड की है वो भी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन थाउजेंड देखो तुम्हें ये कई बार बच्चों को यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है कि हम लाइबिलिटी को ऐड क्यों कर रहे हैं देखा जाए तो ये सारी चीजें तुम्हारी लाइबिलिटी तो है तो तो पॉइंट इस तरीके से है लाइबिलिटी साइड से हम ग्रॉस एसेट्स एक तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं 1300. लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हें यह भी लिखाया था कि एसेट्स के अंदर अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होंगे तो वो तुम्हें माइनस करने पड़ेंगे कोई गुडविल होगी तो वो भी माइनस करने पड़ेंगे कोई डेफर टैक्स एसेट जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी की वजह से हो रहे हैं वो भी आपको माइनस करने पड़ेंगे तो 200 हंड्रेड यहां कैश एंड कैश इक्टी है तो गुडविल नहीं है तो 1100 आपके ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड माने जाएंगे अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपने एसेट्स एक्वायर करे बिल्डिंग उसमें दी हुई है उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह भी दिया हुआ है जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू वन है वो सबसे हाइस्ट है तो हाइस्ट आइटम को आपने ले लिया वन और

ऑल्टरनेटिव तरीके में मैंने क्या करना है सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट लेने अब आइडेंटिफाइबल एसेट जब मैं लूंगा तो ध्यान ये रखना जैसे कि इस केस में वन थाउजेंड है बिल्डिंग कैश भी दिया है तो मैंने कहा जब मैं आइडेंटिफाइबल एसेट लूंगा तो उसके अंदर मैंने कैश को नहीं लेना है कोई डेफर टैक्स एसेट होंगे उसको भी नहीं लेना और इवन गुडविल होती तो उसको भी नहीं लेता फेयर जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव है मैं उसके तहत बता रहा हूं फिर उसके बाद तुम देखोगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ट जो कि थ्री हंड्रेड का है करेक्ट फिर इसमें फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और एनसीआई भी देखेंगे तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा अब इसमें क्या फर्क है इसमें से फिर मैं माइनस करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एनआईए नेट आइडेंटीफाइबल एसेट अब जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है इसमें तुम्हें सारे एसेट लेने हैं इस पॉइंट में सारे एसेट लेने वन थाउजेंड बिल्डिंग भी लेनी है कैश भी लेना है और जो लाइबिलिटी आपने एज्यूम करी तो नेट फिगर तभी आएगी तो नेट फिगर फोर हंड्रेड आएगी वन थाउजेंड वन हंड्रेड ये वही चीज आ गई जो मैंने अभी पहले बताई थी तो ग्रॉस एसेट्स एक्वायर्ड आपके वन थाउजेंड वन हंड्रेड के माने जाएंगे और जो हाइस्ट फिगर हाइस्ट वैल्यू है एसेट की वन थाउजेंड तो परसेंटेज आपके नाइनटी वन परसेंट आ गई तो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे और मुझे यकीन है कि इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको काफी हद तलाक खासतौर से मेजरमेंट पीरियड जिसके बारे में मैंने कहा कहीं कोई डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं मिलता बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है समझने में हमने पूरी कोशिश करी है ऑनेस्टी के साथ कि आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आए कंसेंट्रेशन टेस्ट में भी मैंने आपको दो ऑल्टरनेटिव बताए हैं दोनों में से कोई भी किसी एक ऑल्टरनेटिव से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इनकेस आता है मैंने कहा अब इसके बाद एक्सपेक्टेड एंड हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू से अब इन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ करते रहेंगे लेकिन हम नए चैप्टर में भी शिफ्ट हो जाएंगे ताकि पिछले चैप्टर से भी हमारा कनेक्शन बना रहे और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन इट्स टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय करेक्ट एंड बी हैप्पी एंड हैव गुड डे